सोनीपत ब्रेकिंग न्यूज। गन्नौर नगर पालिका चुनाव में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी अरुण त्यागी को दिनेश अदलखा ने कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन दिया। भाजपा प्रत्याशी अरुण त्यागी के चुनाव प्रचार में सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक पहुंचे। सांसद रमेश कौशिक ने कहा, केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार है, विकास कराने के लिए कमल खिलाना जरूरी है। सांसद ने लोगों से अपील करते हुए कहा, भाजपा प्रत्याशी अरुण त्यागी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। सांसद ने दावा करते हुए कहा कि अरुण त्यागी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेंगे। गन्नौर विधायक निर्मल चौधरी ने कहा, शहर की जनता ने मन बना लिया है, भाजपा प्रत्याशी अरुण त्यागी की बड़ी जीत दर्ज करेंगे। सांसद रमेश कौशिक ने कहा, कुंडली में भी भाजपा की प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। बहन जी, हम मिलके और इसमें हमारे ये जो सहयोगी अरुण त्यागी और वार्ड मजलिस्कर लगाए रहेंगे तो हम विकास का और तेजी से कर सकेंगे। चाहे पर कोई बात हो, सब काम हम कर रहे हैं। और गन्नौर जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया ही बड़ी का अपना बनवाया हुआ है 96 में, जब मैं गन्नौर से था, जब बनाया था, और आज रेल पार्टी के रूप में उसका शिलान्यासन जल्दी से जल्दी हो जाए। प्रधानमंत्री से मैं मांग रहे, शायद उन्हीं का मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो रेलवे मिनिस्टर का तो है ही, तो वो हम करना चाह रहे हैं। और बहन जी लगातार गन्नौर में रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है, आदमी दो काम ठीक हो गलत हो उन कोई बात नहीं होती, ईमानदारी होनी चाहिए, वो इनकी बस्ती है। गन्नौर में सारे लोग आज इकट्ठे हुए और दिनेश अदलखा जी ने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम, मथुरा जी साहब थे, इन्होंने मिलकर किया है, और उसमें अरुण त्यागी को और दिनेश अदलखा को भारी बहुमत से जिताएंगे। हम सबने अपील की है, हम एक बात कह सकते हैं कि इस बार आपकी विधायक है बहन निर्मल चौधरी, एक ईमानदार ईमानदार का कोई सको, बल्कि उन्होंने अपने हल्के का नाम एक बेस्ट विधायक का अवार्ड जीत के यहाँ का नाम भी रोशन किया है। लगातार आपके बीच में है और आपका काम अरुण त्यागी को दिया है, और इसी तरह दिनेश अदलखा को सारे जानते हैं, इन ईमानदारी को भी अब तक कोई उम्र नहीं उठा सकती। मैं भी हमारा इलेक्शन बढ़िया है, हमारे जिले में 3 सीटें हैं, गुहाना, कुंडली और गन्नौर, और इसके साथ साथ मेरे पर जींद भी है, मेरी पार्लियामेंट में जींद की बात, हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन में कुछ बचा नहीं है किसी के पास, कांग्रेस बौखलाई हुई है। आज भ्रष्टाचार के लिए जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसमें कुछ है नहीं। और अब जो राज्यसभा चुनाव हुआ उसमें दोनों उम्मीदवार हमने जीते हैं, उसे बेचारे कांग्रेस को वैसे ही बोखलाई हुई है, इनका कहीं कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जीत निश्चित है, और हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, चाहे बहन जी ने कोशिश करके लड़की और लड़का पुलिस की बात की वो हमने करवा दी, रेल पोस्ट फैक्ट्री के रूप में आजादी बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया तो गन्नौर में आया है, कंटेनर डिपो है जहाँ यहाँ से माल आप देश के किसी कोने में भेज सकते हो। इसके साथ साथ जो मंडी है इसको भी साल करवा रहे हैं, और जो रैपिड ट्रेन है दिल्ली से पानीपत तक, कोशिश में करनाल तक हो जाएगी, उसका काम भी इस साल में हम शुरू करवा देंगे, ताकि वो मेट्रो टाइप ही आ जाए। 12 लेन का नेशनल हाईवे आप देख रहे हो, पिछले दिनों माननीय गडकरी जी आए थे, दिन भी जींद से गुहाना और सोनीपत गरीब हाईवे है, उसको देहरादून में मिलाने की बात है, हरिद्वार जाना हुआ उसमें, चाहे दिल्ली से कठुआ हो, चाहे कोटपुतली जम्बाला, मतलब मेरी पार्लियामेंट में 40,000 करोड़ के नए नेशनल हाईवे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना न भूलें।